गाइस चेहरे को गोरा करने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं ना गोरे क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यार उनको ये नहीं पता होता है कि ओरिजिनल क्रीम कौन सी होती है और डुप्लीकेट कौन सी होती है। गाइस आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ अगर मार्केट में फेमस हो जाती है ना तो उसकी बहुत ज़्यादा कॉपी आना स्टार्ट हो जाती है। सेम गाइस उसी तरह गोरी क्रीम के साथ है। गाइस गोरी क्रीम में ना पहले ओरिजिनल क्रीम आती थी, पहले जो गाइस ये जो क्रीम ना डुप्लीकेट बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन गाइस ये जो क्रीम ना अभी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी है तो उसके कारण ही इसमें बहुत ज़्यादा कॉपी क्रीम आ रही है जो कि आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर आप भी गोरी क्रीम को यूज़ कर रहे हो ना तो गाइस आप इस क्रीम को मार्केट से अमेज़न से या किसी भी अदर वेबसाइट से बिल्कुल बाय ना करें, क्योंकि ये जो क्रीम ना गाइस वहाँ पे आपको डुप्लीकेट देखने को मिल जाएगी जो कि कम प्राइस की होती है। अगर आप ओरिजिनल क्रीम बाय करना चाहते हो ना तो गाइस मेरे नीचे कंपनी के ऑफिस से सेलर का नंबर दे रखा है, वहाँ से आप इस क्रीम को 100% ओरिजिनल क्रीम बाय कर सकते हो, ठीक है। और गाइस वहाँ से आपको इस क्रीम के बारे में अच्छी जानकारी भी मिलेगी, मतलब कि ओरिजिनल क्रीम किस तरह होती है और डुप्लीकेट किस तरह होती है। गाइस जो ओरिजिनल जो क्रीम होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, आपके चेहरे को गोरा करती है, आपकी स्किन को ग्लोइंग करती है और उसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो मार्केट में आपको क्रीम देखने को मिलती है ना वो आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ऑयली क्रीम होती है और आप उसकी स्मेल भी अलग होती है, केमिकल जैसी आती है। लेकिन जहाँ पे ओरिजिनल क्रीम की बात आती है ना गाइस उसकी जो स्मेल है ना हर्बल टाइप की होती है जो कि आपके चेहरे के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। और गाइस इसकी कंपनी खुद बोल रही है कि ये जो क्रीम अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट मिल रही है, इसलिए गाइस इसकी जो कंपनी ने अभी बार बार इस क्रीम के कलर में चेंजेस कर रही है, मतलब कि अभी जो न्यू स्टॉक आया है ना गाइस उसका भी कलर है ना थोड़ा अलग है, तो वही रीज़न है क्योंकि मार्केट में इसमें बहुत ज़्यादा कॉपी क्रीम सेल हो रही है और जो कि आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। गाइस आपको गोरी क्रीम को है ना अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, अगर आप इस क्रीम को अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करोगे ना तो आपके चेहरे पर पिंपल्स आ सकती है, आपके स्किन पर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। गाइस मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखे कि आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इस क्रीम को किस तरह यूज़ करना है, मतलब कि अगर आपकी स्किन ऑयली और सेंसिटिव है ना तो आपको गोरी डे नाइट यूज़ में लेनी है, अगर आपकी स्किन ड्राई और नॉर्मल है तो आपको गोरी ब्यूटी क्रीम यूज़ में लेनी है। अगर आप इस तरह इस क्रीम को यूज़ में लेते हो तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप भी 100% ओरिजिनल गोरी क्रीम बाय करना चाहते हो तो मैंने नीचे नंबर दे रखा है, उनसे आप बात करके डिस्कस करके आप इस क्रीम को 100% ओरिजिनल क्रीम बाय कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले, वो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ओके बाय।